क्या बात है शीत से? आप तो कुछ नहीं लो ना। नहीं मॉम, मैं बस इतने ही खाऊंगी। जानजेब की कॉल। एक्सक्यूज मी। हेलो, क्या हुआ? सब खैरियत तो है? अल्लाह ने मुझे मौका दिया इसलिए बच गई हूं मैं। लेकिन सोचे अब तक कितनी मासूम लड़कियां इस दरिंदे की, बल्कि इस जैसे कितने दरिंदों के हवस का निशाना बन चुकी होंगी। ये इंसान नहीं है, ये इंसान की खाल में छुपे हुए भेड़िए हैं, भेड़िए। नजरों से रेप करने वाले ऐसे कई भेड़िए हमें सरेराह रोजाना मिलते हैं, जिनको देखकर अपनी इज्जत खतरे में महसूस होती है। लड़कियों को देखकर हवस की राल अपनी नजरों से टपकाते हुए बहुत सारे लोगों को देखा है मैंने, लेकिन अब नहीं। अब ये सब कुछ रोकना होगा, क्योंकि अब अगर खामोश रहे तो इस तरह के वाकयात रोजाना पेश आएंगे। हमें लेना होगा स्टैंड। मैं नहीं जानती कि यहां ऐसे बयान देने के बाद मेरे साथ क्या होगा, क्योंकि दुश्मन जब ताकतवर होता है ना, तो पूरा सिस्टम उसके साथ होता है। रह जाते हैं तो विक्टिम्स अकेले, बेबस, लाचार। लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी, और आपको भी नहीं माननी चाहिए। Are you in your senses? आपको खुशी हो रही है ये सब कुछ देखकर? पहले तो आपकी फैमिली ने हमसे इतना बड़ा सच छुपाया, हमने इग्नोर कर दिया ये सोचकर कि हादसे किसी के साथ भी हो सकते हैं। लेकिन अब इस तरीके से ये बयान देने का क्या मतलब है? What rubbish! अंदाजा है इनको कि उनकी इस हरकत की वजह से उन्हें और हमारी फैमिली को क्या कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा। कहां फंसा दिया आपने मॉम? अब आप बताएं क्या जवाब दूंगा मैं अपने दोस्तों को? आप खानदान में क्या कहती फिरेंगी? मेरे तो आपकी बहन ने हमारे लिए तमाशा खड़ा किया हमारे इवेंट में शरीक ना होकर, और अब ये सब? एक्सक्यूज मी, इस सब में आप ही का क्या कसूर है? शिजा, प्लीज इस वक्त मेरी नजरों से हट जाए। Please go from here. I said go. इतनी बड़ी खबर मीडिया पर चलने से पहले मुझ तक क्यों नहीं पहुंची? तुम लोगों को किस दिन के लिए पाला हुआ है मैंने? ड्राइवर जल्दी चलो।